और आपकी आवाज में बात करेंगे जयपुर की, जहां सरकार ने बजट घोषणा में 21,000 नए शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया है, लेकिन इन भर्तियों में कंप्यूटर शिक्षकों का कोई जिक्र नहीं किया गया है, जिसके बाद एक बार फिर से कंप्यूटर शिक्षक बनने का सपना देख रहे सैकड़ों बेरोजगारों की उम्मीदों को झटका लगा है। हजारों बेरोजगार बड़ी उम्मीद से सरकारी नौकरी के लिए सरकार की ओर देख रहे थे, लेकिन सरकार ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। और सहयोगी ललित जयपुर से ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। ललित, जिस तरह से अभी मामला सामने आया है कि कंप्यूटर शिक्षकों के लिए किसी तरह के कोई बजट में सौगात नहीं है, इसको लेकर क्या कुछ कहना है वहां के युवाओं का जो कंप्यूटर शिक्षक बनना चाहते हैं या उस क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं? जी बिल्कुल जैस्मीन, अगर बात करें तकनीक के इस युग में, अगर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के हालात को देखें तो कंप्यूटर शिक्षक नहीं होने के चलते ऐसा नहीं लगता है कि उनको 21वीं सदी की शिक्षा का ज्ञान दिया जा रहा है। अभी 21,000 पदों के जो घोषणा की है बजट में, उनमें भी कंप्यूटर शिक्षकों के कोई पद सृजित नहीं किए गए हैं। तो ऐसे में तकरीबन 4,00,000 से ज़्यादा ऐसे बेरोजगार हैं जो कंप्यूटर शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, उनके सपने टूटे हैं। मेरे साथ कुछ बेरोजगार हैं, कंप्यूटर शिक्षक के भी हैं और बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद है। उपेन जी, आपसे जानना चाहेंगे, कुछ किताबें आपके हाथ में हैं, इन किताबों के माध्यम से ही समझना चाहेंगे कि आखिर क्या समस्या है। देखो, नवीं दसवीं और ग्यारहवीं और बारहवीं की वो किताबें हैं जिनका लेवल भी उस स्तर का है जो बीटेक, एमटेक और एमसीए कर रखे हैं। करीब 4,00,000 से ज्यादा बेरोजगार राजस्थान में हैं। आज तक कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती नहीं निकाली, पिछली सरकार ने भी घोषणा पत्र में डाला था लेकिन 5 साल तक भर्ती नहीं निकाली और वर्तमान सरकार भी। इन किताबों को पढ़ा कौन रहा होगा, सबसे बड़ा सवाल है, इनको पढ़ा कौन रहा होगा, इनकी परीक्षा कौन ले रहा है, इनकी कापियां कौन जांच रहा है, किस प्रकार कौन शिक्षा दे रहा है। और करीब 13,00,000 से ज्यादा वो विद्यार्थी है नवीं और दसवीं में जो अभी सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत है, और इसके अलावा बारहवीं क्लास में ऑप्शनल विषय है और नवीं दसवीं में कंपलसरी विषय है। तो सबसे बड़ा सरकार के पास सवाल भी है कि इनको पढ़ा कौन रहा है। तो अब सरकार से मांग करें, लगातार मांग करें कि कंप्यूटर शिक्षक भर्ती निकाली जाए, जिससे जो 5,00,000 से ज्यादा जो बेरोजगार है, जो इंतजार कर रहे हैं कंप्यूटर शिक्षक भर्तियों का, उनको भी रोजगार मिल सके और जो अध्ययनरत है 13,00,000 से ज्यादा जो सरकारी स्कूलों में, उनको भी कंप्यूटर शिक्षा मिल सके। मेरे साथ एक बेरोजगार भी यहाँ मौजूद है, आपसे जानना चाहेंगे कितने साल से आप तैयारी कर रहे हैं, क्या समस्या है? मेरे को 3-4 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ। सरकार ने बोला है, बीजेपी सरकार ने बोला है कि कंप्यूटर टीचरों की भर्ती आएगी, लेकिन नहीं आई। जब ये सरकार, कांग्रेस सरकार जब चुनाव में बोली कि हम कंप्यूटर टीचरों की भर्ती करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं आई। मेरे को यहाँ जयपुर में 15-16 महीने हो गए तैयारी करते हुए, हर महीने का लगभग 11,000 रुपये खर्चा हो रहा है। घर वाले बोल रहे तुम्हारी भर्ती नहीं आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम ये चाहते हैं। मेरे साथ कुछ और बेरोजगार हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे किस तरह की समस्या है, क्योंकि तकरीबन 4,00,000 से ज्यादा ऐसे बेरोजगार हैं जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ। जी सर, पहले तो ये कंप्यूटर शिक्षा है जो 9th-10th के अंदर कंपलसरी सब्जेक्ट है और 11th-12th के अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट है। बाकायदा उच्च शैक्षणिक योग्यता वाला ही इसको अध्ययन करवा सकता है, बाकायदा एक छोटे मोटे सर्टिफिकेट को अलाउ कर रखा है, जो कि संभव नहीं है कतई। 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद क्या कोई शिक्षक पढ़ा सकता है कंप्यूटर? जी सर, ये चीज तो आप अब बताओ सर, ये सब पॉसिबल नहीं है सर। बिल्कुल ललित, यहाँ पर इन युवाओं ने एक बड़ा ही गंभीर सवाल उठाया है कि हाल ही में शिक्षा नीति में बदलाव करने की बात कही गई थी कि देश भर में शिक्षा नीति में बदलाव किया जाएगा, लेकिन जो सवाल यहाँ युवा उठा रहे हैं कि नवीं और दसवीं और ग्यारहवीं बारहवीं में कंप्यूटर की शिक्षा 11वीं-12वीं को छोड़कर कंपलसरी है, तो आखिर कौन इन किताबों को पढ़ा रहा होगा, कौन उस सिलेबस को कंप्लीट करवा रहा होगा? स्कूलों में 4,000 पद अभी कंप्यूटर शिक्षकों के खाली पड़े हैं, ये एक बड़ा बड़ा अहम सवाल है। क्या सरकार को इस बात की जानकारी है या फिर अधिकारियों तक इस बात की जानकारी पहुंचाई गई, उन्होंने क्या एक्शन लिए? जी बिल्कुल जैस्मीन, अगर बात करें इस पूरे मामले में, अधिकारियों से पूरे इस मामले से अवगत कराया गया है। हर बार ये कहा जाता है कि कंप्यूटर के शिक्षक लगाए जाएंगे। कुछ और बेरोजगार मेरे साथ हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। आपने सरकार तक अपनी बात पहुंचाई थी, क्या कुछ कहा? सरकार अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रही है, सरकार एक्शन लेने के मूड में नहीं है, क्योंकि सरकार ये नहीं चाहती कि हम यानी टेक्निकल एजुकेशन दे बच्चों को। इसके लिए उन्होंने ये तो कंपलसरी कर दिया कि 9th-10th के अंदर यानी कंपलसरी है, उसको आपको पास करना, लेकिन उनकी कहाँ कॉपियाँ जाती हैं, कौन चेक करता है, ये इसी के ऊपर आज तक सरकार ने कुछ भी जवाब नहीं दिया है। आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से सिर्फ महज 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद जो स्कूल के शिक्षक हैं वह पढ़ा रहे हैं, किताबें हमने देखी, क्या समझ में आ सकता है ये? नहीं नहीं, समझ में नहीं आ सकता। आप एक बात बताओ, 15 दिन में कोई डॉक्टर बन सकता है MBBS? जी, हम एक लगभग 4 साल से हमें मैंने 3 साल में MBA, 3 साल BCA, 3 साल MCA, मेरे को 6 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ, वो हमें भी वो कठिन लगती है। हम सरकार उनको फटा बच्चों को फटा कौन रहा है? बिल्कुल।
यही विडंबना है कि देश भर के बच्चे राजस्थान के कोटा में टेक्निकल एजुकेशन परसू करने के लिए आगे इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए कोटा तैयारी करने आते हैं, और राजस्थान में खुद तकनीकी शिक्षा का क्या हाल है वो बखूबी इन युवाओं के जरिए पता चल रहा है। ललित, आप नजर बना के रखिए किस तरह